नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महाराष्ट्र राज्य के सातारा जिले में। सातारा महाराष्ट्र राज्य में कृष्णा नदी और उसकी सहायक वेना नदी के संगम पर स्थित है। सातारा शहर की प्राचीन संस्कृति और विरासत, झीलों, सुरम्य झरनों, पक्षी अभयारण्यों और प्राकृतिक सुंदरता का खजाना है, जो टूरिस्टों और नेचर लवर्स के लिए स्वर्ग के समान है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे सातारा में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है। शुरुआत करते हैं प्रतापगढ़ किले से। प्रतापगढ़ फोर्ट का निर्माण 1656 में छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा करवाया गया था। प्रतापगढ़ फोर्ट महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशनों में से एक, महाबलेश्वर के काफी नजदीक स्थित है, जिस कारण हर साल हजारों पर्यटकों में मेजबानी करता है। यह किला जमीन से लगभग 3500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जिस कारण किले के ऊपर से अचरज भरी घाटियां, झीलें और पूरा शहर दिखाई देता है। अगली जगह है कांस पठार। कांस पठार 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो 1000 एकड़ के क्षेत्र में फैला है। यह एक गहरी ज्वालामुखी लाल मिट्टी के साथ अद्भुत ज्वालामुखी पार्श्व पठार है, जो इसे मानसून के समय में नेचर लवर्स और टूरिस्टों के लिए एक पॉपुलर पिकनिक स्पॉट बनाता है, जिसे 2012 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थलों के रूप में भी घोषित किया गया है। अगली जगह है ठोसेघर वाटरफॉल। कोंकण क्षेत्र के किनारे और सातारा शहर से लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ठोसेघर वाटरफॉल सातारा ट्रिप में घूमने के लिए एक और सबसे अच्छी जगह है। खासकर मानसून के मौसम में यहां पर्यटकों की काफी भीड़ देखी जाती है। ठोसेघर फॉल्स झरने की एक श्रृंखला है, जिसमें कुछ झरने 20 मीटर तक ऊंचे होते हैं, जबकि 200 मीटर की ऊंचाई से गिरते हैं। यह फॉल चारों ओर हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ है। अगली जगह है अजिंक्यतारा किला। अजिंक्यतारा किला लगभग 3300 फीट ऊंचे अजिंक्यतारा पर्वत की चोटी पर स्थित है। अजिंक्यतारा किला लंबी पैदल यात्रा, ट्रेकिंग और पर्वतारोहण का आनंद लेने की योजना बनाने वाले साहसिक प्रेमियों के बीच भी काफी पॉपुलर है। बता दे, अजिंक्यतारा किला पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जिस कारण यह किला पूरे सातारा शहर का एक अद्भुत मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। इसके आलवा किले के अंदर भारतीय देवताओं को समर्पित जैसे भगवान शंकर, भगवान हनुमान और देवी मंगलाई मंदिर भी है, जिन्हें आप किले के अंदर देख सकेंगे। अगली जगह है नटराज मंदिर। नटराज मंदिर सातारा के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल में से एक है, जो भगवान शिव के अवतार नटराज को समर्पित है। इस मंदिर की संरचना तमिलनाडु में चिदंबरम मंदिर के समान है, इसीलिए इस मंदिर को उत्तरा चिदंबरम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अगली जगह है चार भिंती। चार भिंती का निर्माण अपने राज्य को आक्रमणकारियों से बचाने के लिए वर्ष 1830 में छत्रपति प्रताप सिंह महाराज के शासन में किया गया था। यह स्थान हमलावरों पर नजर रखने के लिए बनाया गया था, क्योंकि यहां से पूरे शहर पर नजर रखी जा सकती थी। अगली जगह है संगम महुली। सातारा से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित संगम महुली और क्षत्र महुली दो गांव हैं, जो महाराष्ट्र के सातारा जिले में वेन्ना और कृष्णा नदियों के संगम पर स्थित हैं। संगम महुली सातारा का प्रमुख पर्यटक स्थल और तीर्थ स्थल है। यह 18वीं और 19वीं शताब्दी के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जो मराठा शैली की एक विशिष्ट वास्तुकला का दावा करते हैं। अगली जगह है मियानी पक्षी अभयारण्य। ब्रिटिश साम्राज्य के शासन के दौरान निर्मित इस अभयारण्य में 400 से अधिक प्रकार के पक्षियों की प्रजातियां हैं, जिस वजह से इसे भारत के सबसे प्रमुख पक्षी अभयारण्यों में से एक के रूप में माना जाता है। अगली जगह है लिंगमाला फॉल्स। यदि आप शहर की भीड़ भाड़ से दूर शांत और प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण जगह की तलाश में हैं, तो लिंगमाला फॉल्स आपके लिए एक शानदार पिक है। यह फॉल्स लुभावने दृश्य और एक शांत वातावरण प्रदान करते हैं, जो आपको हमेशा के लिए वहां रहने के लिए मजबूर करेंगे। यह झरना लिंगमाला वन बंगले के ठीक पीछे स्थित है, इसीलिए लिंगमाला फॉल्स की ट्रिप में आप चाइनामैन फॉल्स और धोबी फॉल्स को भी देख सकते हैं। चकलेवाड़ी विंडमिल फार्म सातारा से लगभग 30 किलोमीटर और ठोसेघर वाटर फॉल से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चकलेवाड़ी विंडमिल फार्म एशिया के सबसे बड़े पवनचक्की खेतों में से एक है। आसपास के क्षेत्र में सुंदर हरी पहाड़ियों की उपस्थिति के कारण
चालकेवाड़ी के पूरे क्षेत्र को एक पर्यटक क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया है। पवनचक्की स्वयं 5 किलोमीटर के पठार पर फैली हुई है। इनके अलावा आप आसपास की पहाड़ियों पर कई अन्य पवन चक्कियों को भी देख सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए प्लेस के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।